हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि जो सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग है, इसके अंदर कितना समय लगता है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है सर, कौन कौन सी आप सबको पता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, सर मुझे एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, जो ओवरथिंकिंग है, जो पैनिक है, या वो फोबिया है, या ओसीडी है। मान लीजिए कि इनमें से कोई सी भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम सबको पता है कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। सर, ये सारे के सारे थॉट प्रोसेस की वजह से ही होते हैं? हाँ, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो होता है, उसकी वजह से हमारा मूड है वो लो रहने लग जाता है, हमारा मन खराब सा रहने लग जाता है, उसके कारण डिप्रेशन होने लग जाता है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसके कारण हम बहुत ज़्यादा अनईजी सा फील करते रहते हैं, तो कई बार उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है। इसी थॉट प्रोसेस की वजह से दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट की चेन बन जाती है कई बार, तो उसकी वजह से ओवरथिंकिंग हो जाती है। उसी की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, तो उसके कारण पाल्पिटेशंस होने लग जाता है, कई बार ऐसे लगने लग जाता है जैसे कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, तो उसकी वजह से पैनिक जैसा फील होने लग जाता है, अलग अलग तरह के फोबिया हो जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि ये जो नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस चलता है या मेरी बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हो रहे हैं, वो किसी वजह से हो रहे हैं। मैं हाइट पे जा रहा हूं तो उसकी वजह से हो रहा है, मैं पानी के पास जा रहा हूं तो उसकी वजह से हो रहा है, मैं ट्रैवलिंग में जा रहा हूं तो उसकी वजह से हो रहा है। तो अलग अलग तरह के हमारे अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, फोबिया डेवलप हो जाते हैं। और ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, अगर एक ही थॉट प्रोसेस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या बना देता है, जो ऑब्सेसिव जो इंट्रूसिव थॉट है जो बार बार हमारे दिमाग में रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, यहां पर ओसीडी बन जाता है। तो ये सारा का सारा मामला है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है उसके न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा का सारा किस्सा जो है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरल पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो पैटर्न्स है, ये बचपन से लेके अब तक जो भी हमारी लर्निंग है, उस लर्निंग के कारण ये पैटर्न्स बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की आपकी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। इन पैटर्न्स को क्या बोल सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। जैसे एक मोबाइल होता है और उस मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर रन करता है, तो आपको पता होगा कि उस सॉफ्टवेयर की क्या होती है, कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग होती है, उस प्रोग्रामिंग के आधार पर वो सॉफ्टवेयर काम करता है। उसी तरीके से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये भी क्या होती है, इसकी भी जो कोडिंग होती है वो कौन से होते हैं, न्यूरल पैटर्न्स होते हैं, और इसी कोडिंग के आधार पर हमारे दिमाग में ये थॉट प्रोसेस काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरल पैटर्न्स अगर पॉजिटिव है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो थॉट क्रिएट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता है। और जब पॉजिटिव थॉट क्रिएट होता है, तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें फील नहीं होती, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें फील नहीं होती जब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट चलता है। तो प्रॉब्लम कब होती है, जब प्रॉब्लम होती है जब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चलता है, नकारात्मक विचार अपने आप हमारे दिमाग में चलते हैं। और ये जो नकारात्मक विचार क्यों चलते हैं, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हमें अगर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है, अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, अगर हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आएगा, पॉजिटिव थॉट आएगा। सर समझ गए, क्या समझ गए, कि पॉजिटिव थॉट आएगा तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फील नहीं होगी। एग्जैक्टली, हमें किसी भी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो सर ये भी बता दीजिए कि ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव में जो कन्वर्ट होता है उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सीबीटी की। सर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निशंस के ऊपर वर्क करना और अपने बिहेवियर अपने एक्शंस के ऊपर वर्क करना, ये है सीबीटी। तो सर सीबीटी से हम हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं,
हाँ, हम हमारे नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स को पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ये कन्वर्ट हो गए तो क्या ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी? पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, परमानेंटली खत्म हो जाएगी, मतलब आगे कभी भी ये प्रॉब्लम्स मुझे परेशान नहीं करेगी। तो सर यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि ये पैटर्न्स जो है वो कितने दिन में रिप्रोग्राम हो जाते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके पैटर्न्स कितने दिनों के अंदर रीप्रोग्राम हो जाते हैं, इसको बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक वही है दोस्तों। कोई भी हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न्स बनता है, आपको पता होगा कि हमारा जो दिमाग है सर सबके पास है, हाँ सबके पास दिमाग है, और दिमाग जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? दिमाग जो बना हुआ है वो न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। ये एक न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन है, इसको समझ लीजिए, ये न्यूरॉन्स की जो डंडी वाला पार्ट है जिसको एक्सॉन बोलते हैं, और ये इसके डेंड्राइट्स है, ये मान लीजिए कि दो न्यूरॉन्स है। समझिएगा दोस्तों न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे गली के अंदर जैसे तार होते हैं, वायर होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर खूब सारे तार होते हैं, खूब सारे वायर होते हैं, उन्हीं से मिलकर हमारे दिमाग के ये न्यूरॉन्स बनते हैं, स्नायु बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो जैसे गली के तार होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वैसे ही जब रिप्रोग्रामिंग होती है या किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, किसी भी प्रकार की कोडिंग लिखी जाती है हमारे दिमाग में, तो इन न्यूरॉन्स के बीच में आपस में क्या बनते हैं? कनेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही हमारे दिमाग में ट्रेवल होती है तो ये जो न्यूरॉन्स वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहां पर ये पैटर्न बनना शुरू होता है। मतलब अलग अलग न्यूरॉन्स है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, ये जैसे कई सारे न्यूरॉन्स हैं आपके, जैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है ये न्यूरॉन्स से आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और यहां पर क्या बन गया? एक पैटर्न क्रिएट हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूरोनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या होगी? स्टोर होगी, ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट टाइम कोई भी इस पैटर्न को स्टिमुलेट करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में गई ना वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या आएगा? थॉट आएगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है इन न्यूरॉन्स के बीच में क्या बनती है? बेसिकली बॉन्डिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। फिर से जब ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है तो न्यूरॉन्स के बीच में जो बॉन्ड है वो और मजबूत होता है। मतलब ये जो पैटर्न बनना शुरू होता है, मतलब प्रोग्रामिंग होना शुरू होती है, रिप्रोग्रामिंग होना शुरू होती है, उसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है। जब ये प्रोग्रामिंग होना स्टार्ट होता है तो इसके अंदर 2 से 3 दिन का समय लगता है, और जब ये पैटर्न, मतलब जब हम बार बार लगातार अभ्यास कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली अभ्यास कर रहे होते हैं, तो ये पैटर्न धीरे धीरे क्या होता रहता है? मजबूत होता रहता है। अच्छा, पैटर्न को मजबूत होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। जो भी रिप्रोग्रामिंग होती है उसमें पैटर्न को मजबूत होने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है, और जब हम लगातार अभ्यास करते चले जाते हैं तो 4 से 6 महीने के अंदर ये जो पैटर्न है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब क्या है? कि जिस भी डायरेक्शन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हो उस डायरेक्शन के अंदर अब वो हैबिट आपके अंदर क्या हो चुकी है? पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप उसमें किस में आ चुके हो? ऑटोमेटिक मोड में आ चुके हो। आपको अब मैन्युअली मेहनत नहीं करना पड़ रहा, आप किस में आ चुके हो? ऑटोमेटिक मोड में आ चुके हो। तो इसमें पूरा जो टाइम लगता है 4 to 6 month का टाइम लगता है। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम होता है, इस रिप्रोग्रामिंग के अंदर कितना समय लगता है? 4 to 6 month का एक मिनिमम टाइम पीरियड लगता है। तो सर अगर हम डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं, पैनिक से बाहर आना चाहते हैं, फोबिया से बाहर आना चाहते हैं, ओसीडी से बाहर आना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के डर से बाहर आना चाहते हैं तो कितना स्ट्रगल करना है? 4 to 6 month का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, सीबीटी की, पूरी तरह से आप जिस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो, आप उस डायरेक्शन में अपनी पर्सनालिटी को क्या कर लेते हो? डेवलप कर लेते हो। तो ये आंसर है दोस्तों, आप लोगों ने पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग में कितना समय लगता है और किस तरह से होती है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको बहुत अच्छे समझना दोस्तों। हम लोगों ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है सीबीटी की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, जिसको आप बहुत अच्छे से ग्रैब करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिस डायरेक्शन में
जिस भी मजबूती के साथ आप अपने आप को रिप्रोग्राम करना चाहते हो, आप पूरी तरह से क्या कर सकते हो, रिप्रोग्राम कर सकते हो। पूरा कोर्स है 1 महीने का, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ में मैंने उसको एलोबरेट किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।